अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। और फाइनली पाकिस्तान अमेज़ोन की सेलर लिस्ट में शामिल हो गया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और थैंक्स टू ऑल जिन्होंने इस पे मेहनत की, इस चीज़ को पॉसिबल बनाया, स्पेशली गवर्नमेंट ने और इसके साथ जो लोग अमेज़ोन से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन लोगों ने इस पे काफ़ी वर्क किया। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अमेज़ोन का पाकिस्तान में आना है क्या। अब फ़र्ज़ कर लें आप लोग कहीं पे कोई अपना कारोबार करना चाहते हैं, अपना कोई आउटलेट, अपना कोई स्टोर बनाएंगे सबसे पहले, तो उसके लिए सबसे पहले जो आप लोग लोकेशन देखेंगे ना, वो एक अच्छी लोकेशन देखेंगे। और अच्छी लोकेशन का मतलब है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब आप फ़र्ज़ कर लें किसी इस्टेब्लिश मार्केट में आप लोगों ने कोई शॉप खोलनी हो, कोई स्टोर बनाना हो, कोई आउटलेट बनाना हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं होती है, यहाँ आप लोगों को कोई शॉप रेंट पे नहीं लेनी पड़ती, यहाँ आप लोगों को कोई लाइटें, कोई कुछ नहीं करना पड़ता आप लोगों को। आप लोगों के लिए सारा काम वो जो प्लेटफॉर्म होता है वही करता है, ये काम आप लोगों के लिए अमेज़ोन करेगा। तो अमेज़ोन का मतलब ये है कि आप लोगों को सबसे बड़ी मार्केट में दुकान खोलने का मौका मिल रहा है। लेकिन फ्री में दुकान खोलने का मौका मिलने का ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि मार्केट के जो बाकी असूल हैं वो भी ओवरलुक हो गए हैं, वो अपनी जगह पे इस्टेब्लिश हैं। यानी एक बड़ी मार्केट में आप लोगों को क्वालिटी भी अच्छी देनी होती है और आप लोगों का कंपटीशन भी टाइट होता है। तो अमेज़ोन पे भी कुछ ऐसे ही है। काफ़ी लोगों की क्यूरीज आ रही हैं कि अकाउंट कैसे बनाया जाए और इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। तो अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो वो तो आप लोग अमेज़ोन सेलर पर जाएँगे, अमेज़ोन की वेबसाइट पर जाएँगे, वहाँ पर अमेज़ोन सेलर का ऑप्शन होगा। वहाँ पे आप लोगों के पास दो ऑप्शन होंगे, एक आप प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हैं और एक आप इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं। जो प्रोफेशनल अकाउंट है उसकी एक फ़ीस है जो कि बिगनर के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप लोग कोई इनिशियल स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी कोई एस्टेब्लिश्ड काम नहीं है, तो आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। वो तकरीबन $40 पर मंथ उनकी एक फ़ीस है जो प्रोफेशनल वाले हैं। तो आप लोगों ने इंडिविजुअल सेलर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने का जो तरीका है वो तो मैं पोस्ट कर दूंगा एंड पे, वीडियो के एंड पे। और अब इशू ये है कि अगर हम अकाउंट हमने बना लिया है तो अब हम लोग इस पे बेचें क्या, क्योंकि इस पे करोड़ों प्रोडक्ट होंगे ऑलरेडी और लाखों स्टोर्स होंगे, तो हमारे लिए क्या सूटेबल रहेगा। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, जो पाकिस्तान का नाम बना हुआ है थोड़ा सा, वो गारमेंट्स के फील्ड में बना हुआ है और स्पोर्ट इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा नाम है पाकिस्तान में। तो आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है पड़ी कि आप लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में चले जाएं, उसमें फुटबॉल्स हो गई, बॉल्स हो गई, ग्लव्स हो गए और इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें, काफ़ी सारी इसमें भी हज़ारों प्रोडक्ट हैं, तो आप लोग इनके स्टोर्स बना सकते हैं। और गारमेंट्स में आप लोग सॉक्स हो गई, ग्लव्स हो गए और ओजरी, बनियान वगैरह, ITC, अंडर गारमेंट्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं पड़ी आप लोग इन चीज़ों की, जो लोग सेटअप में बन जाएंगी ऑनलाइन शॉप बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी शुरू करने वाला हूँ, जैसे कोई मज़ीद मालूमात और मज़ीद डिटेल्स आएंगी तो मैंने भी अपना अकाउंट बनाना है। और मैं अकाउंट की डिटेल्स, अकाउंट कैसे बनता है, अभी वीडियो के एंड में पोस्ट भी कर रहा हूँ, आप लोग काइंडली देखिएगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।